नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNNews.com। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर में कहा जा रहा है कि अंजलि बिड़ला बिना UPSC एग्जाम दिए IAS ऑफिसर बन गई हैं और उसे अपने पिता ओम बिड़ला की पोजीशन का फायदा मिल गया है। दरअसल 6 जनवरी को UPSC ने 89 कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट जारी की है, जिसमें अंजलि बिड़ला का नाम भी शामिल है। और इसके बाद से वायरल पोस्ट में अंजलि की फोटोज के साथ कैप्शन दिया जा रहा है कि बिना कोई एग्जाम या इंटरव्यू दिए पहले अटेम्प्ट में अंजलि IAS बन गई और यह पावर का गलत इस्तेमाल है। लेकिन इस वायरल दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिजर्व लिस्ट में अंजलि बिड़ला के नाम के साथ उनका रोल नंबर भी दिया गया है और इसे सर्च करने पर पता चलता है कि उन्होंने UPSC प्रीलिम्स 2019 एग्जाम दी थी। साथ ही उनका नाम मेंस की क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी शामिल था। ये रिजर्व लिस्ट मेन लिस्ट के बाद जारी होती है, जिससे मेन लिस्ट में हुए बदलावों को रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट्स से फिल किया जाता है और इसमें जनरल और रिजर्व दोनों तरह की कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं। इसके अलावा प्रमुख अखबारों और न्यूज चैनल्स ने अंजलि बिड़ला की सक्सेस स्टोरी कवर की है और साथ ही इस खबर का फैक्ट चेक भी किया है। साथ ही KYNNews.com की टीम को YouTube के चैनल शुभ्रा रंजन IAS पर अंजलि बिड़ला का मॉक इंटरव्यू भी मिला है। इन सभी बातों से ये साबित होता है कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे भ्रामक हैं और इस विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है। KYNNews.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही फैक्ट चेक जानने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।